नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फतेहाबाद में गांव चंद्रावल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एक अन्य अध्यापक की ओर से छात्राओं को गलत मैसेज व्हाट्सएप पर भेजने का मामला सामने आया है। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया और अध्यापकों की छुट्टी कर दी गई। वहीं आरोपी अध्यापक और हेडमास्टर भी स्कूल से चले गए। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है कि सोमवार तक आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वे अगला कदम उठाने पर मजबूर होंगे। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने उनको मांग पत्र सौंपा। खंड शिक्षा अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सोमवार तक इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में संस्कृत का अध्यापक बबरू खान पिछले काफी समय से छात्राओं को आपत्तिजनक मैसेज व्हाट्सएप पर भेज रहा है। 2-3 बार उसे रोका भी गया, उस समय माफी मांगकर मामला शांत हो गया, लेकिन इसके बावजूद अध्यापक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने 2-3 दिन पहले एक और छात्रा को मैसेज भेजा। जैसे ही ग्रामीणों के इस बात का पता चला वे भड़क गए। ग्रामीणों ने बताया कि इसको लेकर स्कूल के हेडमास्टर को भी उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन हेडमास्टर ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि मामले को शांत करवाने का प्रयास किया। लेकिन ग्रामीण चाहते हैं कि आरोपी अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर सोमवार तक इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो वे बड़ी पंचायत करके आगामी निर्णय लेंगे और अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फतेहाबाद से हमारे संवाददाता ईशान रुखाया की रिपोर्ट। अपने स्कूल के अंदर कोई संस्कृत टीचर है, बबरू वान नाम है उनका, और वो काफ़ी दिनों से 6ठी 7वीं 8वीं वाली लड़कियों को गलत SMS कर रहा था। तो उसको 2 बार पहले समझा भी चुके हैं गांव वाले कि सर ये आपकी आदतें अच्छी नहीं है, तो उन्होंने माफ़ी मांगी थी। अब फिर उसने 3 दिन पहले किसी लड़की को फिर SMS भेजा है। तो उसी मामले में आज समस्त ग्रामवासी इकट्ठे हुए थे, तो पहले हेडमास्टर जी को भी हमने लिखित में दी थी, जो कार्रवाई न करने की बजाय संस्कृत मास्टर अपने बबरू बान जी उनका पक्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो और उनको छुट्टी दे दी है, अब हेडमास्टर भी छुट्टी पे हैं, फ़ोन करने पे बोल रहे हैं कि कोई ना बैठ के बात कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो ये बात वाला तो मसला है नहीं जी। तो आज यहाँ इकट्ठे हुए थे, BO साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सोमवार तक कार्रवाई कर देंगे। अगर वो सोमवार तक कार्रवाई करते हैं तो ठीक है जी, नहीं अन्यथा हमको कोई दूसरा कदम ग्रामवासियों को मजबूरी में उठाना पड़ेगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।